निरनमकार मंत्र के बारे में कि शाश्वत है, त्रैकालिक है, हमेशा रहता है। कहीं न कहीं किसी न किसी की मस्तिष्क में, बुद्धि में, स्मृति में, जिह्वा पर रहता है। कभी ऐसा समय नहीं तो आएगा कि जब लोक से नमोकार मंत्र विलुप्त हो जाए, नहीं रहे, ऐसा कभी नहीं होता। यह शाश्वत है, त्रैकालिक है, ऐसा है नमोकार मंत्र। बंधुओ, ये नमोकार मंत्र शाश्वत है। नमोकार मंत्र इन सबका, 14 पूर्वों का सार है। यह इसको सार बताया गया, कहा गया 14 पूर्वाणं जो समुद्धारो, 14 पूर्व इससे उद्धृत किए जाते, निकाले जाते हैं। जैसे कि तिलों में से तेल और चकमक से अग्नि निकाली गई, दूध से घृत निकाला गया, ऐसे 14 पूर्व इससे निकाले जाते हैं। 14 पूर्व इससे समाये हुए हैं और 14 पूर्वों का यह अपने आप में सार है। ऐसा है, यह है नमोकार। 14 पूर्वाणु जो समुद्धारो, और फिर जसमणि नवकारो, जिसके अंतर में, जिसके भीतर में यह नमोकार मंत्र होता है। किस रूप में होगा, कोई यहां लिखा हुआ रहता, कैसे होता है, क्यों कर होता है, उसका स्वरूप श्रद्धामय होता है। जिसको नमोकार मंत्र में श्रद्धा है तो समझो उसके अंतर में, उसके भीतर में नमोकार है। श्रावक और श्राविकाओं कहते ना, अपने मन के अंदर रखो, वो कैसे रखा जाए, इस श्रद्धा के द्वारा। जिसकी जैसी जितनी श्रद्धा है उसके भीतर के अंदर, तब जस मनो नवकारो, जिसके मन के अंदर नमोकार है, संसारो तस्य किम कुणई, कोई लड़ाई लड़नी है संसार से, इसमें तो ये बात कह दी, उसका संसार क्या कर सकता है, कोई मैदान में जाएंगे नहीं। यहां इसका अर्थ है कि वह संसार में क्यों भटकेगा, संसार में क्यों फिरेगा। जिसके मन में, जिसके अंतर में नमोकार मंत्र है, वह संसार में क्यों अटकेगा। उसके लिए कह रहे हैं संसारो तस्य किम कुणई, संसार क्या करेगा। करने से मतलब यहाँ संसार दुनिया से युद्ध नहीं है, यहाँ है कि संसार भवसागर है, जीव डूब रहे हैं, यह इतना विशाल समुद्र उसको डुबा नहीं सकता। आप जानते हैं, आप देखते हैं, आपने देखा होगा पानी में जाने वाले जिनको ठीक से तैरना नहीं आता, वो लोग कुछ वायु की ट्यूब और कोई चीज ऐसी बेल्ट कुछ लगा लेते हैं, कर लेते हैं ना, क्यों भाइयों, कुछ ट्यूब जो है वो पहन लेते हैं, और फिर कितना बड़ा जल हो, कितना गहरा जल हो, वो ट्यूब वायु के पहन ले और पानी में लोग उतर जाते हैं। पानी कुछ कर पाता उनका, पानी नहीं डुबा पाता। कितना ही गहरा जल हो, कितना विशाल जल हो, जिसके पास में वह वायु की ट्यूब है, वह डूब नहीं पाता। संसारो, ये संसार किम कुणई तस, उसका क्या करेगा, जिसके भीतर में नमोकार है, अर्थात जिसके नमोकार में श्रद्धा है, वह आत्मा, वह जीव संसार में डूबेगा नहीं, भटकेगा नहीं। ऐसे इस नमोकार की महिमा है, इतनी अद्भुत महिमा है। बंधुओं, यह नमोकार मंत्र 14 पूर्वों का सार है। सार के बाद समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है, पहले भी कुछ सुनाई है, ये कुछ और सुना रहा हूं। चार विद्वान, अलग अलग विषयों के विद्वान थे, बहुत गहरे विद्वान थे, बड़े विद्वान थे। बड़े विद्वान को तन से नहीं थे, अपने ज्ञान और बुद्धि से थे। उन्होंने कहा भी जो हमें ज्ञान है, इस
ज्ञान को कागज पर उतारते हैं, यानी इसके ग्रंथ के रूप में इसकी रचना करते हैं। वो चारों दिग्गज थे, चारों ने एक एक लाख श्लोक प्रमाण इतने ग्रंथ रचे, 1 लाख जिसके अंदर श्लोक हों। रचना के बाद रचनाकार क्या चाहता है, भाई मेरी कृति का सम्मान हो, प्रचार हो, इसका सत्कार हो, मैंने काम किया है। रचनाकार तो यूं सोचता, यही नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे पढ़ा जाए, ये सोचते हैं सारे कवि, सोचते हैं मैंने जो कविता रस दी वह ऐसी होनी चाहिए कि मेरे बाद में भी लोग उसे गाएं, लोग उसे पढ़ें। रचनाकार तो यही चाहते मेरी कृति मेरे बाद जीवित रहे और मैं कृति के रूप में जीवित रहूं, मेरी कृति का सम्मान हो। वो चारों थे मित्र, बोले भाई कैसे करें, आम आदमी तो कुछ नहीं समझ पाएगा, क्या समझ पाएगा, चलो राजा के चलते हैं, राजा से बताएंगे हमने इतना बड़ा काम किया, राजा पुरस्कार देगा, ना भी दो पुरस्कार की बात नहीं, कम से कम राजा ये कहेगा तुमने इतना बड़ा काम किया, और राज्यसभा में तो बड़े बड़े विद्वान भी होते हैं, वो भी पूछेंगे भी क्या रचा तुमने, भाई हमने ये रचा है, तो वो जिज्ञासु होंगे तो पढ़ेंगे भी, राजा भी कहे मुझे सुनाओ मुझे बताओ भाई क्या चीज रची तुमने, 1 लाख श्लोक जिसमें हो ऐसा ग्रंथ, और चारों ने एक एक करके रचा, राजा के चलो, चारों विद्वान राजा के हंग गए, राज्यसभा में गए, महाराज नमस्कार, आओ भाइयों वेशभूषा से लगा, भाई तो विद्वान पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आओ। उनको उचित आसन दिया, विद्वानों का कैसे आना हुआ, महाराज हमने कुछ रचा है, अच्छा तो वो हम आपको सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लाओ। महाराज क्षमा करना, वो ऐसे थोड़े दिया जा सकता, बोले और कैसे, बोले उसको तो घोड़ों पर लाद करके लाएंगे, जो हमने रचा है वो तो घोड़ों पर लद करके आएगा। चारों ने कहा 1 लाख श्लोक प्रमाण ग्रंथ है, इतने सारे वो तो बहुत पन्ने बने होंगे, बोले हाँ जी महाराज पन्ने बहुत बने, मंगवा देते हैं, कृपा करो आप समय दो। भाई इतना तो मेरे पास समय कहाँ है, मैं तो राजा हूं, इतना समय तो मेरे पास नहीं है, इतना तो सुनना तो दूर, मैं देख भी नहीं सकता इतने पन्ने, तो जो तुमने काम किया बड़ी अच्छी बात है, इसकी तो प्रशंसा करते हैं, पर मेरे पास इतना समय नहीं, महाराज कुछ तो करो कृपा, हमारी मेहनत है, भाई तुम्हारी मेहनत तो है पर ये राज्य व्यवस्था भी तो, इसका मैं क्या करूंगा, कौन चलाएगा, एक दिन में सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। राजा ने कहा भाई ऐसा है, उन 1 लाख श्लोकों में से तुम 1-1 श्लोक जो है ना वो सुना दो, जो उसका सार हो, भाई हमारा तो ग्रंथ का ये सार है, जैसे हम कह रहे हैं 14 पूर्वों का सार क्या है, बोलो, तुम्हारे ग्रंथों का जो सार हो वो सुना दो, इतना तो मेरे पास देखने का समय नहीं, सुनने का तो होगा कहां से, मैं राजा हूं मुझे राज्य चलाना है, मैं इन किताबों में इसमें लग गया तो फिर कैसे होगा, जो सार हो वो सुना दो। चारों ने एक दूसरे को देखा, बोला ये तो बड़ी विचित्र बात रही, बताओ राजा ने तो एक जरा सी बात कह दी, हमने इतनी मेहनत करी थी। राजा बोला भाई सार सुना दो, रही बात तुम्हारी मेहनत की तो ठीक, हम पुरस्कार दे देंगे तुम्हारे को, और भाई तुम अपना प्रचार प्रसार जैसे करना करो, मेरे पास तो इतना ही समय है। बंधो उन चारों में से जो पहला विद्वान था,
उसने कहा ठीक है जी। वो आयुर्वेद का विद्वान था, वैद्य आयुर्वेद उसका विद्वान था। उसने कहा जी ठीक है, मैं सुना देता हूं, सुनाओ। उसने चतुर्थ भाग श्लोक का सुनाया, और क्या सुनाया उसने, जीर्ण भोजन मात्रेय आत्रेय नाम के ऋषि जिसने के इस आयुर्वेद का निर्माण किया, उसने सिर्फ सार श्लोकों का सार इतना है, इतना है, जीर्ण भोजनम आत्रेय, जिसके पचने पचाने में कठिनाई हो ऐसा भोजन नहीं करना, बस ये सार आयुर्वेद का। जो उतनी मात्रा में और ऐसा भोजन करता है जो आराम से पच जाए वो बीमार नहीं होता, यही दवाई है इसकी। दवाई भी यही है, सार भी यही है, मेरे पूरे ग्रंथ का सार यह है। राजा ने कहा बहुत अच्छा, स्वीकार है ये बात, इसमें कोई इतराज नहीं हो सकता। कोई आदमी सोचे कि मैं अपने बद परहेजियां भी करता रहूं, चाय जो कुछ खाता रहूं, फिर दवाइयां खा करके ठीक होता रहो, वो ज्यादा दिन नहीं जी सकता। भोजन वह करो जो पच जाए, हजम हो जाए, वह करो। और ये कहकर विद्वान एक और बैठ गए, मेरा काम पूरा हो गया। बोले ठीक, तुमने जो कुछ कहा वह सही कहा और बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा कहना सत्य है। बंद हो दूसरे ऋषि, दूसरे विद्वान ने धर्म शास्त्र की रचना की थी। उसने कहा सारे जितने धर्म शास्त्र हैं उन सब का मैंने उल्लेख किया, सब कुछ रचा है, तुम सुनाओ। उसने सुनाया और उसने बताया कपिल प्राणी नाम दया, प्राणियों पर दया करना यह धर्म का सार है। हाँ जी श्राव को प्राणियों पर ये धर्म का सार है, प्राणियों पर तो दया की नहीं, और पता नहीं कुछ कुछ करते रहे, क्या करते रहे, उन्होंने धर्म को नहीं पाया। बस प्राणी नाम दया, धर्म का सार इतना ही है, यह है कि प्राणियों के ऊपर दया करो। राजा ने कहा बहुत अच्छे, ठीक है तुम्हारे पास स्वीकार है, ये बिल्कुल ठीक बात है, धर्म जो है इसी बात के अंदर है, प्राणियों के ऊपर दया करो। तीसरे विद्वान थे नीति शास्त्र के, जिसको राजनीति कहे, नीति शास्त्र के, उनकी ओर देखा कि भाई तुम कहो नीति शास्त्र के। उसने कहा बृहस्पति अविश्वास है, राजनीति शास्त्र के जो आचार्य हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति ने कहा नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र उसका सार यह है किसी पर विश्वास मत करो, बस ये मैं शिक्षा नहीं दे रहा, मैं तो कहानी सुना रहा हूं। कभी हम ये सोचे भी महाराज जी कह रहे हैं भरोसा ही ना करो किसी के ऊपर, मुश्किल हो जाएगी, मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं तो बृहस्पति की बात बता रहा हूं। बृहस्पति ने जिसने नीति और राजनीति शास्त्र की रचना की, उसने कहा कि भाई राजनीति और नीति का सार है किसी पर विश्वास मत करो। एक छोटी सी बीच में बात, एक थे नेता, तो उनका जो लड़का था छोटा ही, वो बोला पिताजी आप वाली लाइन मुझे पसंद है, मुझे भी राजनीति सिखा दो। बोले ये अभी सिखा देता हूं। बोले सिखा दो। बोले राजनीति ऐसी है ऊपर मुंडेर के ऊपर बैठो, मैं नीचे खड़ा होकर फिर पाठ पढ़ाऊंगा। वो ऊपर चला गया मुंडेर पर बैठ, बोले हाँ जी पढ़ाओ। बोले ऐसा है ऊपर से छलांग लगा रहा, मैं तुझे पकड़ूंगा, तुझे पकड़ूंगा, फिर पाठ होगा। बच्चे ने सोचा पिताजी हैं कह रहे हैं छलांग लगा दी, पिता पीछे हट गया, धड़ाम पड़ा जमीन पर, फूट गए गोड्डे।
चोट लगी, रोने लगा, आपने क्या करा? बोले रणनीति का पाठ पढ़ाया, अपने बाप पर भी विश्वास मत करना, किसी पर विश्वास मत करना, अगर विश्वास करोगे मारे जाओगे। विश्वास तो करना ही ना, अपने बाप पर भी नहीं करना। अगर रणनीति में जाना, रणनीति सीखनी है तो यही है। उसने कहा नीति शास्त्र का सार बताते हुए, बृहस्पति अविश्वास है, कभी भी विश्वास मत करो। और चौथा जो विद्वान था वो गृहस्थ शास्त्र का था। उसने गृहस्थ शास्त्र के विद्वान ने कहा घर गृहस्थी कैसे चलेगी, आदमी सुख से कैसे जी सकता है, कैसे रह सकता है। उसने अपना श्लोक का सार बताया, पांचाल स्त्रीशु मार्दवम, स्त्रियों के साथ में मृदुता का व्यवहार करो, नरमाई का व्यवहार करो। जिसने अपना घर चलाना हो वह स्त्री के साथ प्रेम से बोले, मृदुता के साथ व्यवहार करे। अगर अकड़ चलेगी तो फिर गृहस्थ नहीं चल सकती। अकड़ के नहीं रहना घर में, प्रेम के साथ रहना, मृदुता के साथ, कोमलता के साथ रहना। अगर मृदुता से कोमलता के साथ में कोई घर में रहेगा उसका घर कभी बिगड़ नहीं सकता, उसका घर सही तरीके से चलेगा। 100,000 श्लोक प्रमाण इतने बड़े ग्रंथों का जो सार है वो इन पंक्तियों में कहा गया। एक कहानी है, बंधुओ बात नमोकार की थी, 14 पूर्वों के सार की थी, 14 पूर्वों का सार नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र के सार की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात और इसको समझ लें कि ये 14 पूर्वों का जो सार कह रहे हैं किस किस तरह किस रूप में और क्यों कह रहे हैं। बंधुओ नमोकार मंत्र के 68 अक्षर हैं सब मिलाकर के, वर्ण मात्राएं सब मिला करके 68 को अंक विद्या के अनुसार आपस में जोड़ा जाए, 6 और 8 14 होते हैं। 14 जो है वो 14 पूर्वों के सूचक है।